हेलो एवरीवन, प्रेगनेंसी सीरीज में ये फोर्थ वीडियो है, प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ मंथ में आप में क्या क्या चेंजेस रहते हैं, आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस रहते हैं। इसके साथ साथ में मैं बताऊंगी गर्भ संस्कार में इस महीने में आपको क्या क्या चीजें करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा पेट निकलना शुरू हो जाता है, बेबी बम्प जो है वो थोड़ा सा पेल्विक एरिया में थोड़ा सा बल्ज दिखना शुरू हो जाता है। बट जो लोग पतले रहते हैं उनमें अभी भी थोड़ा नहीं फील होता है। फिफ्थ मंथ से बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है बेबी बम्प, लेकिन फोर्थ महीने से भी शुरुआत हो जाती है। तो एक तो आपका बेबी बम्प दिखने लगेगा, उसके साथ साथ में जो आपको पहले सिम्टम्स दिख रहे थे 3 महीने तक, जैसे कि आपको उल्टियां बहुत ज्यादा आती थी, तो इस महीने में आपकी उल्टियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि जिस हार्मोन की वजह से उल्टियां आती हैं उसका लेवल जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके साथ साथ में जो आपको यूरिन बार बार लगता था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने तक जो आपका गर्भाशय रहता है वो ब्लैडर के ऊपर रहता है, तो उसको इरिटेट करता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपको प्रेशर पड़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन लगता है। बट 3 महीने के बाद जो आपका गर्भाशय है वो एब्डोमेन एरिया में आने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैडर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, आपको जो बार बार यूरिन लगता था उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस महीने में आपकी उल्टियां बंद हो जाएंगी और आपको यूरिन नहीं लगेगा। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो इस महीने में भी आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से रहता है। जितना बॉडी में आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है उसकी वजह से जो आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से जो आपका खाना है वो देर से पचता है और आपको कब्ज जैसी शिकायत बनी रह सकती है। कब्ज की शिकायत ना रहे उसके लिए आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। इस महीने में अगर आपके बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपका बच्चा पूरा बन गया होता है। जो 3रे महीने में जो हाथ पैर छोटे छोटे रहते हैं वो इस महीने में पूरे बन गए होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में वो जो बच्चा है वो उसके सारे अंग बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। बच्चे के वजन की बात करें तो 150 ग्राम के लगभग आपके बच्चे का वजन रहता है। अगर उसके आकार की बात करें तो जैसे नाशपाती होती है उतना उसका आकार इस महीने में बन गया होता है। इस महीने आपको खाने में कौन सी चीजें स्पेशल ऐड करनी है, 3 महीने तक जो डाइट आपको बताई है कि हेल्दी डाइट आपको लेनी है वो तो आपको साथ साथ में फॉलो करनी है, बट इस महीने में आपको कुछ स्पेशल चीजें ऐड करनी है, जैसे कि मक्खन। मक्खन जो है वो आपको 10 से 20 ग्राम डेली लेना है और उसमें थोड़ा सा मिश्री ऐड कर लें। तो इस महीने आपको ये स्पेशल चीज अपने खाने में जरूर ऐड करनी है। उसके साथ साथ में जो आपको फ्रूट्स हैं, जैसे कि संतरा है, अंगूर है, अनार है, ये फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में शामिल करने हैं। इस महीने में आपको भूख अच्छे से लगने लगती है, आपको उल्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें जरूर लें, जैसे कि काला चना है, मग है, ये चीजें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। काला चना है, मूंग है, इनको आप बॉईल करके ले सकते हैं, उसको थोड़ा चाट की तरह बना सकते हैं, उसमें थोड़ा ओनियन टमाटो ये ऐड करके और ऊपर से चाट मसाला छिड़क कर आप उसको खा सकते हैं। इस महीने आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपने पैरों को ज्यादा लटकाकर नहीं बैठना है। ज्यादा देर अगर लटकाकर बैठेंगे तो आपके पैरों पर सूजन आ जाएगी, इसलिए ध्यान रखें कि आपके जो पैर हैं वो ज्यादा देर लटके हुए ना रहें। उसके साथ साथ में आपको प्रेगनेंसी के दौरान हाई हील्स बिल्कुल भी नहीं पहनना है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इस महीने के बाद आपको क्या है, पेट पर धीरे धीरे स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, तो आपको उसकी बहुत टेंशन रहती है, तो आपको चाहिए कि आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स ना आए, तो उसके लिए आपको इस महीने से ही अपने पेट के ऊपर शब्दोद्धृत आता है, एक आयुर्वेदिक क्रीम है जो कि आपको अपने पेट पर लगानी है। ये क्रीम जो है वो आपके पेट को एकदम स्मूथ रखेगी और आपको स्ट्रेच मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो डेली आपको ये शब्दोद्धृत अपने पेट पर अप्लाई करना है। इस महीने गर्भ संस्कार के दौरान आपको क्या क्या चीजें ऐड करने के लिए बोला जाता है, तो इस महीने से आपका बच्चा जो है वो आपको सुनने लगता है, तो इस महीने से आपको म्यूजिक सुनना शुरू करना है। म्यूजिक जो है वो एकदम सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है ताकि बच्चे के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहे। उसके साथ साथ में आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। गर्भ संस्कार में स्पेशली ऐसा बताया जाता है कि आपको अपना बच्चा जैसा बनाना है आप उसको वैसा बना सकते हैं, तो जो भी चरित्र आप अपने बच्चे में ढालना चाहते हैं उस चरित्र की बुक आपको इस महीने से पढ़नी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा आपको खुश रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं करना है, क्योंकि अब आप जैसा फील करेंगे वैसा आपके बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट होगा, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल खुश रहना है। उसके साथ साथ में किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर नहीं तो वैसे ही फीलिंग्स डेवलप होंगे, तो प्रेगनेंसी के दौरान एकदम खुश रहें, जो एक्टिविटीज आपको खुश रखती हैं उन एक्टिविटीज को जरूर करें। इसके साथ साथ में आपको लिक्विड्स ज्यादा लेने हैं, जैसे कि आपको जूस है, नारियल पानी है, वो जरूर लें। जूस जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, पैक्ड जूस बिल्कुल भी ना लें, घर पर जूस बनाएं, मौसमी है, संतरा है, उन पर
उनका घर पर जूस निकाल कर पिए। जूस निकालने के बाद उसमें आप थोड़ा सा जीरा पाउडर, सेंधव नमक ये सब डाल सकते हैं ताकि वो इजिली डाइजेस्ट रहे। अब हम बात करते हैं कि इस महीने आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो शुरू के 3 महीने आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोला जाता है। सिर्फ अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ साथ मैं सेकंड मंथ में कीगल एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइस किया था, और थर्ड मंथ से आपको ब्रेस्ट सेगिंग के लिए जो एक्सरसाइज रहती है उनको करना है। इस मंथ से आप थोड़ा लाइट कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं जिसमें आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से पहले एक बार जरूर पूछ लें कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद ही ये सारी एक्सरसाइज करें। तो इस महीने से आप लाइट कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके साथ साथ में आप स्विमिंग कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज रहती है प्रेगनेंसी के दौरान। वॉकिंग जरूर करें 2 टाइम, इसके साथ साथ में जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। वज्रासन है, शवासन है, पद्मासन है, बटरफ्लाई आसन है, ये सारे आसन हैं इस महीने से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की, कौन कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको इस महीने लेनी चाहिए। तो पहली मेडिसिन जो कि मैं हर बार बताती हूँ, मासानु मासिक करके टैबलेट आते हैं, तो 4th मंथ की जो मासानु मासिक टैबलेट है वो आपको इस महीने जरूर लेना चाहिए। 4th महीने से आपको आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि इस महीने से आपका जो खून है वो थोड़ा पतला होने लगता है, तो आपके अंदर खून की कमी ना हो इसलिए आपको आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी हैं जो कि आपके खून को पूरा होने में मदद करती हैं। तो उसमें जैसे कि दाढ़ी मवले है वो आप ले सकते हैं, धात्री लोह टैबलेट आती है वो आप ले सकते हैं, उसके साथ साथ में रसायन चूर्ण करके आती है वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आप इस महीने ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आपको कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है तो त्रिफला चूर्ण जो है वो रात को सोते टाइम 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। हमेशा त्रिफला चूर्ण नहीं लेना है, सिर्फ जब आपको कब्ज की शिकायत रहे उस टाइम पे आपको त्रिफला चूर्ण आप गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, कि 4th मंथ में आपको अपनी डाइट में क्या ऐड करना है, एक्सरसाइज क्या शुरू कर सकते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का।